हुआ चैनल मार्केटिंग खबर। मैं हूं आपकी होस्ट ग्रेस और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू वीडियो, एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं NFT के बारे में। NFT नॉन फंजिबल टोकन। आज हम समझेंगे कि ये NFT क्या होता है और कैसे यूज होता है। वीडियो को एंड तक देखना और मिस मत करना क्योंकि काफी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो बिना देरी करके शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन का एक NFT 7 करोड़ में बिका। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट को NFT बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन्हें NFT कलेक्शन बनाकर उससे $1 मिलियन कमाए। इसके साथ साथ पीपल नाम के फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक फेमस आर्ट वर्क को NFT फॉर्म में बेचकर 69 मिलियन कमाए। ऐसी काफी सारी न्यूज हम रोज सुनते हैं जिसमें NFT वर्ड का यूज होता है और हमारे दिमाग में आता है कि ये गिफ्ट्स बिक रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। ये NFT का मतलब होता क्या है, तो चलिए समझते हैं कि ये NFT क्या है और इसका मतलब क्या होता है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन फंजिबल क्या होता है। नॉन फंजिबल वर्ड का मतलब होता है नॉन रेप्लिकेबल या नॉन एक्सचेंजेबल। एक ऐसी चीज जिसको सिमिलर चीज के साथ हम एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ खास बात होती है। उसके अंदर कोई यूनिक चीज है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2000 का नोट है। अब 2000 का नोट किसी को देकर हम 4-500 के नोट लेते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने 2000 के नोट को 4-500 के नोट से एक्सचेंज कर दिया। इसी तरीके से चीजों को एक्सचेंज कर पाए तो उसे कहते हैं फंजिबल। लेकिन अगर हम एक पेंटिंग, फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या फिर अपने घर की बात करें तो ये यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलेंगे कि हमारा घर ले लो और अपना घर हमें दे दो। इक्वली तो है। या फिर मोनालिसा की पेंटिंग आप किसी के पास ओरिजिनल है तो उन्हें बोले कि आप हमारी ले लो और अपनी हमें दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक आइटम है, तो इनको हम कहेंगे नॉन फंजिबल आइटम्स। इसका मतलब है कि ये आइटम्स को आप सेम आइटम्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 3 पेन्स हैं। अब यूजुअली क्या होता है, अगर सेम ब्रांड के पेन्स होते हैं तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक पेन मुझे गिफ्ट मिला था, वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी को कहूंगी कि मेरा ये पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे। तो इसी तरीके से वो पेन जो है वो एक स्पेसिफिक चीज है मेरे लिए, तो नॉन फंजिबल। तो इसमें हम ये समझे कि जब भी हम NFT की बात करते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो यूनिक है, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टोकन की, क्या मतलब होता है टोकन का। तो जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो खरीदने के बाद हमारे पास रजिस्ट्री होती है जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम उस पर लिखा होता है। वो पूरा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होता है कि ये घर हमारे नाम पर है, वो प्रूफ होता है हमारे घर की ओनरशिप का। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई गाना बनाया, कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई, कोई ट्यून बनाई या कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स चल रहा है, उसकी हमने छोटी सी क्लिप ली है डिजिटल, तो इन सारी चीजों पे अगर हमें प्रूफ चाहिए कि ये सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में हम करते हैं, हम इसके ओनर हैं, तो प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। वो प्रूफ डिजिटल फॉर्म में होगा। जैसे कि घर की रजिस्ट्री के पेपर्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटल टोकन है वो हमें डिजिटल फॉर्म में मिलेगी, यानी हम टच नहीं कर पाएंगे। तो वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं। अब ये टोकन जैसे रजिस्ट्री जो है उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है। हमारे लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है। अगर कोर्ट केस हो जाता है तो उसको जजेस मानते हैं पेपर के फॉर्म में। लेकिन ये डिजिटल टोकन जो है इसको कौन ट्रैक करेगा, इसे ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन के फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन या डॉजीकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है। ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब होता है कि जो सारा का सारा रिकॉर्ड है वो पब्लिक रखती है। किस तरीके से? मान लीजिए आप अपने दोस्त को पैसे भेजने के
सबसे पहले यूपीआई कर रहे हैं, पेटीएम से या फोन पे से भेज रहे हैं। अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है 1000 रुपए का, तो आपका मन क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट में है या नहीं चेक करेगा, फिर अगर पैसे होंगे तो आपके दोस्त को भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक पता करेगा कि पैसे आए या नहीं। अगर आ जाते हैं तो उसके बैंक में 1000 रुपए आ जाते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांजैक्शन का काम है ये बैंक करता है। अब अगर इस पूरे प्रोसेस से आपको बैंक को हटाना हो और आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन का काम आप और आपके दोस्त दोनों ही मैनेज करें, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए ब्लॉकचेन यूज होती है। इससे होगा ये, जब भी आप कुछ ट्रांसफर करना चाहोगे तो उसका रिकॉर्ड सारे लोगों को दिखता रहेगा जो ब्लॉकचेन पर है। मान लीजिए अगर 10 लाख लोग ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो हर किसी के कंप्यूटर में आपने अपने दोस्त को जो पैसे भेजे उसका ट्रांजैक्शन दिखाई देगा। इसकी वजह से पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ ट्रांजैक्शन असली हुआ है, इसलिए ये काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहता है और यहाँ से बैंक्स कम्प्लीटली हट जाते हैं। अब ऐसी ही टेक्नोलॉजी में अगर हम करेंसी ट्रांजैक्शन की जगह अपने टोकन लेकर आ जाए, यानी कोई आर्टवर्क आपने डिजिटली बनाया तो उसका एक NFT बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आपने प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल पेंटिंग है ये अब आपकी है और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर NFT नहीं बेचना चाहो तो आप किसी और से कुछ करेंसी लोगे और इसको उस व्यक्ति को बेच दोगे, और वो जो ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड होगा वो ब्लॉकचेन के सारे लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT काम करते हैं। आजकल काफी सारे कंपनीज हैं जो कहीं किसी से लाइसेंस ले रही है, म्यूजिक कंपनी से या कुछ, ताकि उनके NFT बनाकर बेच सके। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने NFT बनाकर बेच सकते हैं। तो आज अगर आप एक ऐसे स्पेस में हैं कि कुछ आर्टवर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजिटली, तो आपको डेफिनेटली अपने लिए NFT बनाकर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी से एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और कोई भी वीडियो को मिस मत करना।